आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नोबेल लॉरेट्स ऑफ इंडिया, भारत में जिन जिनको नोबेल प्राइज मिला है, हम उनकी बायोग्राफीज को देख रहे हैं। साइंटिस्ट है, फिजियोलॉजिस्ट है, साहित्यकारों को, सबको देख रहे हैं। सबकी बायोग्राफी में कवर करते हुए चल रहा हूं, आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर एस चंद्रशेखर। कौन है ये दोस्तों? बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं दोस्तों। वैसे तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हर कोई एक ना एक टाइम पे ये सोचता ही है कि मुझे तो स्पेस पे जाना है और एक एस्ट्रोनॉट बनना है, ठीक है ना। तो डॉक्टर एस चंद्रशेखर की, वैसे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, डॉक्टर एस चंद्रशेखर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मैं एक न्यूज से रिलेट करके बताना चाहूंगा। परसों एक बड़ी खुशखबरी आई, एक बहुत ही खुशखबर आई कि ब्लैक होल की पहली तस्वीरें कैद हो गई हैं और पहली बार ब्लैक होल को देखा गया है। मेसियर 87, मेसियर गैलेक्सी का नाम था, वहां पे है ब्लैक होल। और ये बहुत एक खुशखबर थी, हर कोई खुश हुआ, सबने सोशल मीडिया पे डाला, और जो भैया फिजिक्स फ्रीक हैं उनको तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो ये ब्लैक होल बनता कैसे है, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नहीं बताया। हालांकि ऐसी एक चीज है जो बहुत ही बड़ी है और जो सब कुछ निकल जाती है, ये बहुत सालों से फिजिसिस्ट कहते आ रहे हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने रिलेटिविटी में ये बात की थी कि ये है, ऐसी चीज होती है, लेकिन इसके पुख्ता सबूत नहीं थे। डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने जब ये चीज बताई तो शुरू में किसी ने नहीं माना। आपको पता है इन्होंने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए थे और उसमें आइंस्टीन एक थे जिन्होंने ये बोला कि ऐसी कोई चीज पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन बाद में इसी चीज के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। डॉक्टर एस चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं, फिर पूरी दुनिया ने माना। आपको बता दूं कि इनके स्टूडेंट, इन्होंने 45 स्टूडेंट्स को गाइड किया है, ठीक है, पीएचडी स्टूडेंट रहे हैं डॉक्टर एस चंद्रशेखर के। इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला। चाइना के दो ऐसे स्टूडेंट जिनको नोबेल प्राइज मिला और वो पहले चाइनीज नोबेल लॉरेट्स हैं। क्या है उनका नाम मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन आप फिलहाल कमेंट बॉक्स में बता दो कि उन दोनों का नाम क्या है, ठीक है। फिलहाल हम डॉक्टर एस चंद्रशेखर की बायोग्राफी को देखेंगे। सिद्धांत_रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह अपने चक्की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ये भारत के नोबेल लॉरेट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी बायोग्राफी रिव्यू की है मैंने, दो पार्ट में लेक्चर है, लिटरेचर में 1913 में मिला था। उसके बाद सीवी रमन, इनकी भी बायोग्राफी रिव्यू की है, एक पार्ट में लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, फिजिक्स में मिला था इनको, भैया रमन इफेक्ट, रमन स्कैटरिंग, स्पेक्ट्रोग्राफी के लिए इनको मिला था। फिर मदर टेरेसा, 1979 में इनको पीस प्राइज मिला था, इनकी भी बायोग्राफी अवेलेबल है, एक बुक का, एक किताब का रिव्यू है बेसिकली वो। फिर हाल ही में मैंने परसों में हर गोविंद खुराना पे लेक्चर लिया है, ठीक है, हर गोविंद खुराना की बायोग्राफी कवर की है, इनको फिजियोलॉजी में मिला था, डीएनए स्ट्रक्चरिंग इन्हीं की वजह से ही तो जीन इंजीनियरिंग स्टैब्लिश हुई, आप देख लीजिएगा, अवेलेबल है। आज हम ये ए नहीं है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ए होना चाहिए था एस चंद्रशेखर में। तो डॉक्टर एस चंद्रशेखर जिनको 1983 में 1983 में फिजिक्स में, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट ब्लैक होल्स की स्टडी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, आज हम वो देखेंगे। अमर्त सेन की बायोग्राफी हम देख चुके हैं, ठीक है, वी रामकृष्णन की बायोग्राफी हमको देखनी बाकी है, जिनको 2009 में केमिस्ट्री में मिला था, और कैलाश सत्यार्थी की बायोग्राफी हम देख चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वी रामकृष्णन बचे हुए हैं, बाकी हमने सबकी बायोग्राफीज देख लिए। तो देख रहे हैं ना भैया कितना सब कुछ आपका तैयार होता हुआ चल रहा है और कंसेप्ट भी आप समझ रहे होंगे। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें तो इनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 में हुआ था, 19 अक्टूबर 1910 में इनका जन्म हुआ था, और 21 अगस्त 1995 को इनकी मृत्यु हुई थी। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं ये, अमेरिका की नागरिकता इनको मिली गई थी। भारत में इनको सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण दिया गया है। तो इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं, अमेरिका की नागरिकता इनको 1953 में मिली थी। दोस्तों, ये भारत से पहले इंग्लैंड चले गए, उसके बाद फिर ये अमेरिका चले गए और वहीं के ही हो गए ये, ठीक है ना। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बहुत सालों तक काम किया, बहुत सालों तक ताउम्र इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में
काम किया, वहां पे ही प्रोफेसर रहे और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको सुनने आते थे। कार्ल सेगन जो कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं, आज जब भी ब्लैक होल्स की बात होती है कार्ल सेगन का नाम सबसे पहले आता है, वो इनकी बड़ी तारीफ करते थे। स्टीफन हॉकिंग की जब किताब का मैंने रिव्यू किया था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, पूरा रिव्यू अवेलेबल है, लाखों लाखों लोग देख चुके हैं, आप देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एस चंद्रशेखर को कोट किया था, ठीक है ना। और चाइनीज चाइना के वो दो नोबेल लॉरेट्स कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो इनके स्टूडेंट रह चुके, उनको पहले नोबेल प्राइज मिल गया, इनको बाद में मिला था, तो ये सहयोग था एक तरीके से, ठीक है ना। तो 1983 में इनको नोबेल प्राइज मिला था जो कि इन्होंने विलियम ए फाउलर के साथ शेयर किया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्लैक होल्स होते क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से ब्लैक होल्स बनते हैं और एस चंद्रशेखर का उसमें क्या योगदान है। फिजिक्स पढ़ेंगे, मुझे बड़ा मजा आता है फिजिक्स को पढ़ाने में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रशेखर का जन्म भारत में 19 अक्टूबर 1910 में हुआ था। बहुत लोग सोचेंगे कि इनका जन्म जो है वो मद्रास में हुआ था, लेकिन इनका जन्म मद्रास में नहीं हुआ था, इनका जन्म जो है लाहौर पंजाब में हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी यहाँ पे काम करते थे, ठीक है। एक तमिल हिंदू फैमिली में इनका जन्म हुआ था। बताना चाहता हूं दोस्तों, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था चंद्रशेखर सुब्रमण्यम अय्यर, और जो इनकी माता जी थी उनका नाम था सीता लक्ष्मी बालाकृष्णन। आपको बता दूं कि इनके पिताजी एक ऑडिटर जनरल थे, डेप्यूटी ऑडिटर जनरल थे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज में, और खुद भी फिजिसिस्ट थे। इनके पिताजी के भाई थे सीवी रमन, जी हाँ सीवी रमन थे भैया इनके पिताजी के भाई, जो कि नोबेल लॉरेट थे, इनके कहते हैं ना इनको पैटर्नल अंकल, ठीक है। तो जब परिवार में ही एक नोबेल प्राइज विनर मौजूद हो तो आप समझ रहे हैं ना नस्लें कैसी होंगी। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर की जो परिवार था वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल था, इनकी माता जी भी हाई, उनका भी बहुत ज्यादा हाई इंटेलेक्ट था, वो बहुत मुश्किल किताबें, अंग्रेजी की मुश्किल किताबों का अनुवाद तमिल में करती थी। तो पढ़ने का जो शौक था ना चंद्रशेखर को, वो बचपन से ही था। और इनके पिताजी इनको मैथ्स पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, इनके पिताजी भी एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है, मतलब फिजिसिस्ट तो नहीं उनको टेक्निकली बोल सकते, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स का उनको बहुत ज्यादा शौक था। तो जैसे जैसे पढ़ाई, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, वैसे वैसे इनका जो कैरेक्टर है वो और स्ट्रांग होता जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं। उसके बाद लाहौर से इलाहाबाद चली गई फैमिली 1916 में, फिर मद्रास चली गई, और मद्रास से ही इनका असली सफर, पढ़ाई का जो सफर है वो शुरू हुआ। शुरू में तो 12 साल तक भैया फैमिली इतनी पढ़ी लिखी, तो चंद्रशेखर को घर में ही पढ़ाया गया। इनके पिताजी इनको मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते थे और इनकी माता जी इनको तमिल पढ़ाती थी। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे फिजिसिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, जैसे हमने बात की थी रामानुजम की। रामानुजम का जो पूरा बचपन था, मैंने आपको बताया था कि वो रिलीजियस स्टडीज से पूरा था, मतलब उनको रिलीजन की पढ़ाई बहुत ज्यादा, गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, वो सब उनको कंठस्थ था। और भैया रामानुजम ने तो ये तक बोल दिया था ना कि मेरे सपने में नामागिरी देवी आती है जो कि मुझे मैथ्स की क्वेश्चन देती है। मैथ्स में सबसे ऊंचा नाम रामानुजम का है, भारत में रामानुजम को सबसे ऊपर, सबसे बड़ा मैथमेटिशियन माना जाता है, वो थे भी, लेकिन चंद्रशेखर वॉज एन एथीस्ट, चंद्रशेखर भगवान में नहीं मानते थे, सो ही वॉज एन एथीस्ट, कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये माना है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों क्या हुआ कि पहले तो ये मद्रास में हिंदू हाई स्कूल में पढ़े, उसके बाद उस समय जो सबसे बेहतरीन कॉलेज था प्रेसिडेंसी कॉलेज, एक कलकत्ता में एक मद्रास में, और इसी प्रेसिडेंसी कॉलेज से सीवी रमन भी पढ़े थे, यहां से उन्होंने पढ़ाई शुरू की। पढ़ने में इतने ब्रिलियंट थे कि इनको तुरंत स्कॉलरशिप मिल गई, और उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए। इसके बाद इन्होंने जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे तो इन्होंने अपनी बीएससी लिया, बीएससी ऑनर्स किया फिजिक्स में, बैचलर डिग्री। उस समय दोस्तों फिजिक्स में पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती थी, वैसे तो उस समय पढ़ाई ही करना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि पढ़ाई का कोई स्कोप था ही नहीं, भारत में कोई कॉलेज कहाँ खुले थे। यहाँ पे ब्रिटिशर ने तो, ब्रिटिशर्स का क्या एम था कि भारत को पूरी तरीके से लूट लो, तो कोई कॉलेज तो उन्होंने खोला नहीं, ठीक है, बहुत कम कॉलेजेस थे कहाँ, वो तो आजादी के बाद एक एक करके कॉलेजेस खुलने शुरू हुए, और जब सीवी रमन आए भारत तब उन्होंने IISc एक तरीके से उसकी नींव रखी और उसको बढ़ाया, हालांकि वो पहले से ही था। सीवी रमन की बायोग्राफी दोस्तों मैंने पूरी कवर किया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों
1930 में इनको बीएससी की डिग्री मिली। पढ़ने में इतने ब्रिलियंट थे कि अरे लो स्कॉलरशिप, उस समय यही होता था कि जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होता था सरकार उनको स्कॉलरशिप देती थी कि जाओ आप बाहर पढ़ाई करो। अब सरकार किसकी थी? ब्रिटिश, इंग्लैंड, तो भैया इंग्लैंड में ही जाके पढ़ाई करो। वैसे पूरी दुनिया में इंग्लैंड इंग्लैंड और अमेरिका यही दो ऐसे यहाँ मतलब इंग्लैंड और यूरोप, यूरोप में इंग्लैंड और अमेरिका, तो यही दो ऐसे देश थे जहां पे पढ़ाई का स्कोप बहुत ज्यादा था, हर कोई यहीं पे ही जाता था और अपनी पढ़ाई करता था। तो यहाँ पे ये इंग्लैंड चले गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी कॉलेज, ठीक है, तो ट्रिनिटी कॉलेज ने इन्होंने पढ़ाई शुरू की, वही ट्रिनिटी कॉलेज जहां पे राम अनुजम ने पढ़ाई की थी। राम अनुजम की भी बायोग्राफी मैंने कवर की है, सबकी बायोग्राफी कवर की है दोस्तों, आप देखते चलिए बहुत ज्ञान मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 1933 में चंद्रशेखर को अपनी पीएचडी डिग्री मिली और फिर ये डॉक्टर चंद्रशेखर हो गए। और यहां पे इन्होंने बहुत सारे पेपर्स एस्टैब्लिश किए। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि इनका जो मेन इंटरेस्ट रहा था, क्योंकि ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे तो ब्लैक होल्स पे इन्होंने उस समय बहुत काम किया था, क्योंकि अभी स्टीफन हॉकिंग आए नहीं है, ठीक है ना, स्टीफन हॉकिंग अभी बहुत बाद में आने वाले हैं, तो यहां पे उन्होंने उस समय बहुत ज्यादा काम किया था। तो 1929 से लेकर 1929 से लेकर 1939 तक इन्होंने ब्लैक होल्स पे स्टेलर स्ट्रक्चर, ब्लैक होल्स तो पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं लेकिन सब कुछ वहीं पे ही जाता है, स्टेलर स्ट्रक्चर, स्टेलर मतलब स्टार, स्टार्स का स्ट्रक्चर, तारों के स्ट्रक्चर पे, और उसके बाद स्टेलर डायनेमिक्स कैसे ये काम करते हैं, एक सीरीज ऑफ पेपर्स, ढेर सारे पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए। और जब ये आइंस्टीन ने पढ़ा, जब ये आर्थर एडिंगटन ने पढ़ा, उन्होंने कहा क्या बकवास है, ये हो ही नहीं सकता, इसीलिए इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया था। दोस्तों उनको पता था कि यहां पे दो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आइंस्टीन तो वैसे बाहर ही थे लेकिन एडिंगटन का उस समय बहुत नाम था, फिजिक्स पे पकड़ थी, हर कोई इनकी बात मानता था और हेड भी थे वो, तो यहां पे चंद्रशेखर को पता था कि इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और ये मेरे पेपर को ऐसे रिजेक्ट कर रहे हैं, यहां पे डिनाई कर रहे हैं और इन्हीं के साथ मुझे रहना है और सब कुछ, तो ये हो नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया था, वो अमेरिका चले गए थे, ठीक है ना, एक तरीके से टसल स्टार्ट हो गई थी। बहरहाल 1929 से लेकर 1939 तक इन्होंने स्टेलर स्ट्रक्चर को पूरा स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखी थी और इस चीज को समराइज किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ स्टेलर स्ट्रक्चर। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी दोस्तों और जो भी इनकी फाइंडिंग्स होती थी वो अपने बुक्स में उतार देते थे। फिर 1939 से 1943 तक इन्होंने स्टेलर डायनेमिक्स पे काम किया। 1950 से लेकर 1961 तक इन्होंने हाइड्रोडायनेमिक, जनरल रिलेटिविटी पे काम किया। उसके बाद फिर इनका पूरा एस्ट्रोफिजिक्स में काम जो था वो चालू रहा और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ये काम करते रहे, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद आपको बता दूं कि ही वॉज इलेक्टेड टू अ प्राइज फेलोशिप एट ट्रिनिटी कॉलेज, और राम अनुजम के बाद ये दूसरे थे, ठीक है, दूसरे भारतीय थे जिनको इतना बड़ा सम्मान मिला था, प्रोफेसर रैल्फ फाउलर के स्टूडेंट थे। आपको बता दूं, आपको पता ही है ना कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको एक प्रोफेसर के अंडर करनी होती है, वो आपका गाइड होता है, वो आपको गाइड करता है, ठीक है ना, आपको गुरु की जरूरत है ना, तो ये प्रोफेसर रैल्फ फाउलर के स्टूडेंट थे, ठीक है। और जब ये अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे थे तब इनकी मुलाकात बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट से हुई, पॉल डायराक से हुई, ये नील बोहर के साथ भी इन्होंने काम किया है, तो आप देख सकते हैं ना। और इसी दौरान इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था, इन्होंने कुईपर के साथ भी काम किया था, कुईपर भी उस समय बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। आपको बता दूं कुईपर बेल्ट भैया उन्हीं के नाम पे है, ठीक है, जो उन्होंने खोजी थी, तो कुईपर भी एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, उनके साथ भी इन्होंने काम किया था। और इतना अच्छा काम था चंद्रशेखर का कि इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और 1931 से लेकर 1935 तक जो इन्होंने सीरीज ऑफ पेपर्स पब्लिश किए उन सबको अगर कंक्लूड करें तो उससे एक ही चीज निकल के आई सामने, चंद्रशेखर लिमिट। ये क्या है ये हम देखेंगे अभी आगे, मैं बताऊंगा दोस्तों कि इनका काम क्या है, इन्होंने किस चीज पे काम किया था और ब्लैक होल्स क्या होते हैं, चंद्रशेखर लिमिट के बारे में आगे हम जानेंगे, ठीक है। वैसे जब ये कैम्ब्रिज जा रहे थे रास्ते में ही इन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि अच्छा इस तरीके से दिक्कत होती है स्पेस में, अगर कोई तारा मरता है तो ये चीज बन जाती है, बाप रे बाप, ठीक है। तो ये चीजें, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, वैसे तो अभी तक तो सिंपल लग रहा है लेकिन हो सकता है जब हम अभी ब्लैक होल की बात करें तो मे बी आपको समझ में ना आए। चलिए अच्छा, अब हम चंद्रशेखर लिमिट की बात कर मतलब चंद्रशेखर लिमिट को समझा ही देते हैं दोस्तों। बेसिकली ये एक मिनिमम मास होता है, ठीक है ना, मिनिमम मास ऑफ अ स्टार, ठीक है,
which will ultimately collapse into a neutron star or a black hole following a supernova event rather than remaining as a white dwarf. और वो कितना होता है 1.44 times the mass of our sun. ये 1.44 ही चंद्रशेखर लिमिट होती है. दोस्तों ब्लैक होल दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक होता है रोटेटिंग और एक होता है नॉन रोटेटिंग, ठीक है. अब यहां पे अगर ब्लैक होल्स की हम बात करते हैं तो ब्लैक होल या तो वाइट डॉफ, मतलब कोई भी स्टार या वाइट डॉफ बनेगा या फिर न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ठीक है ना. अब ये वाइट डॉर्फ कब बनेगा, जब इसका मास रहेगा 1.44, जैसे ही 1.44 से ज्यादा हुआ तो वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. ये भी हम आगे देखेंगे कि होते क्या है ब्लैक होल्स, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा. उसके बाद दोस्तों इनके ये पेपर्स पब्लिश हुए, लेकिन आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि आइंस्टीन ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है, ये कहां कोई ब्लैक होल, ये नहीं, एक पॉइंट मास में हो ही नहीं सकता, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इनकी थ्योरी को शुरू में डिस्कार्ड कर दिया क्या, इसीलिए इनको अमेरिका से ऑफर है. दोस्तों आपको बता दूं कि ये जहां पे भी जाते थे ना, जितने भी प्रोफेसर्स थे इनके आगे सरेंडर कर देते थे कि भैया आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाइए. तो इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी ऑफर मिला था, लेकिन वो इन्होंने हटा दिया था, उन्होंने नहीं लिया था. लेकिन जब ये सारी चीजें उन्होंने देखी कि यहां पे उनके वर्क को इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में उनके वर्क को ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तब जब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अमेरिका से इनको ऑफर आया, वहां पे ये चले गए. 1937 में ये चले गए और उसके बाद पूरी जिंदगी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ही वो काम करते रहे. इन्होंने नासा की लाइब्रेरी में काम किया है, यर्क्स की लाइब्रेरी में काम किया है. दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों. और आपको बता दूं कि भले ही इनको भारत में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला हो, भारत में इनको बहुत ज्यादा लोग नहीं भी जानते हैं, और हाँ ठीक है सिर्फ नाम जानते हैं क्योंकि नोबेल प्राइज इन्होंने जीता था, लेकिन बहुत ज्यादा पता नहीं कि इनका काम क्या था, लेकिन इनको बाहर बहुत रिकॉग्निशन है, बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन है दोस्तों. इनके नाम पे लैब्स हैं, इनके नाम पे एस्टेरॉइड के, इनके नाम मतलब एस्टेरॉइड जो है इनके नाम पे रखे जाते हैं, कोई भी अगर नया खोजा जाता है, ठीक है ना, इनके नाम से अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं. तो अमेरिका में इनको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है. अमेरिका अपने लोगों को भूलता नहीं है, ये तो आपको बोलना पड़ेगा. हम भले ही भूल जाए लेकिन अमेरिका नहीं भूलेगा. तो अमेरिका में थे ये, ठीक है ना, वहां पे एसोसिएट प्रोफेसर है और फिर वहां पे इन्होंने बहुत टाइम तक काम किया, ठीक है ना. तो वही बता रहा हूं कि अमेरिका जो है नहीं भूलता है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती हैं. उसके बाद दोस्तों इनको 1983 में नोबेल प्राइज मिला. इनको बहुत सारे प्राइज मिले हैं दोस्तों, ढेर सारे, इनको कोपली मेडल और नोबेल प्राइज, पद्म विभूषण, बहुत सारे हर देश ने इनको प्राइज दिए हैं. लेकिन आपको बता दूं कि अक्सर हम चंद्रशेखर को सिर्फ ब्लैक होल्स के लिए याद करते हैं. चंद्रशेखर को जब नोबेल प्राइज मिला था तो वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए थे. आपको पता है क्यों? क्योंकि उनके उन्होंने बहुत डाइवर्स फील्ड में, उन्होंने बहुत सारी फिजिक्स की फील्ड में काम किया था, उन फील्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, एक पर्टिकुलर फील्ड को रिकॉग्नाइज किया गया था. बहरहाल 1983 में उनको अवार्ड मिला, वो खुश तो बिल्कुल जरूर हुए. उन्होंने जो भी काम किया था ब्लैक होल्स पे, तो द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स इन्होंने अपनी किताब में उसको पूरा कंपाइल किया था, और उसके बाद भैया इन्होंने ब्लैक होल का पूरा विवरण दिया था. अब दोस्तों ब्लैक होल्स होते क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं कि चंद्रशेखर ने एक्चुअली किया क्या था. देखिए दोस्तों, एक तारा है, हमारा सन भी एक स्टार है, ठीक है, एक तारा है. वैसे तो एक इससे पहले एक और चीज बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे यूनिवर्स की स्थापना कैसे हुई है, कैसे बना है, बिग बैंग से बना है ना, सिंगुलैरिटी, सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, इनफाइनाइट डेंसिटी, जीरो वॉल्यूम, मतलब एक छोटे से डॉट में सब कुछ था, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अनस्टेबल भट्टाक से धमाका हुआ और पूरे चीथड़े उड़ गए, वक्त बना, एटम बना, पूरा यूनिवर्स बना, गैलेक्सीज बनी, तो सब कुछ बनता गया दोस्तों, हर एक चीज बनती गई. आपको बता दूं दोस्तों यूनिवर्स अलाइव है. हम अगर अपने वेदों में झांक के देखें, या अगर हम कुरान में देखें, या अगर हम बाइबल में देखें, हम किसी भी धर्म में झांक के देखें, तो उसमें भी एक तरीके से वो सब साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है. ये यूनिवर्स ना जिंदा है, ये यूनिवर्स आपकी बातों को सुनता है. इसीलिए तो मैं बोलता हूं और हर कोई ये बोलता है कि भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे. और भगवान तो है, भगवान कौन है, ये पूरा यूनिवर्स जो सृष्टि को चला रहा है, आप देख सकते हैं ना क्रिएशन कितनी कितनी खूबसूरत क्रिएशन है, और हर एक चीज का एक पैटर्न है. बहरहाल वो एक अलग चीज है. तो दोस्तों ऐसा है कि पूरा ये यूनिवर्स बना, गैलेक्सीज बनी, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, 10^22 गैलेक्सीज है, करोड़ों अरबों गैलेक्सीज है, ठीक है ना. हम तो खाली मिल्की वे को जानते हैं. अच्छा, मिल्की वे की पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे आकाशगंगा, जिसमें हम रहते हैं, ठीक है ना. हमारी पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है? चलिए
कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दो सवाल हो गए आपको, चाइनीज नोबेल लॉरेट्स जो कि स्टूडेंट थे चंद्रशेखर के, और आपको बताना है कि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी कौन सी है। तो यहां पे सब कुछ बना। अब दोस्तों जब जन्म हुआ है किसी चीज का तो वो खत्म भी होगा, ठीक है, बिग क्रंच भी होगा। जो तारे बने हैं, ठीक है, बने हैं तो वो भी मरेंगे ही मरेंगे, वो भी खत्म होंगे। हमारा सूरज भी एक ना एक दिन खत्म होगा दोस्तों, लेकिन ये ब्लैक होल नहीं बनेगा क्योंकि उसका साइज उतना नहीं है, ठीक है ना, साइज पे डिपेंड होता है। तो हम लोग सेफ हैं, हम लोग सुरक्षित हैं, ठीक है ना, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे दोस्तों ऐसा है कि जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो एक तारा जिंदा है लेकिन वो मरेगा। अब वो क्यों मरेगा, देखिए दो चीजें हैं। आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल जब तक है तब तक है, पेट्रोल आपका फ्यूल है, लेकिन जैसे ही पेट्रोल खत्म आपकी गाड़ी गई, दोबारा पेट्रोल भरवाओ। अब तारे के पास ऐसा कोई पेट्रोल पंप नहीं होता है जिससे वो अपना पेट्रोल भरा सके, हम बात कर रहे हैं फ्यूल की। हर स्टार के पास एक फ्यूल होता है, उसका अपना एक फ्यूल होता है, ईंधन होता है। ये इसी फ्यूल की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन डी जनरेट प्रेशर कहते हैं। उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत ही मैथमेटिकल है दोस्तों, बेकार में कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि यहां पे किसी भी तारे के फ्यूल की वजह से वो तारा जिंदा है, क्योंकि तारे के कोर में है, तारे की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस तारे को खत्म करने पे तुली हुई है, लेकिन जो तारे के अंदर फ्यूल है वो ऐसा नहीं होने देता है, क्योंकि फ्यूल की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है जिसकी वजह से प्रेशर बना हुआ है, ठीक है ना, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डीजनरेट प्रेशर कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये फ्यूल खत्म होने लगता है, शैतानी ताकतें तारे को नहीं छोड़ती है, मजाक कर रहा हूं, चैतानी ताकतों से मेरा मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से है, ठीक है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूं लेक्चर को, क्योंकि ये चीज अक्सर बोरिंग हो जाती है और बहुत समझ में नहीं आती है। तो यहां पे जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करती है, तारे को खींचने लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को खींचती है ना, तो यहां पे सब चीज खींचती हुई चली जाती है, फोर्सेस अनस्टेबल होती है, और जब सब कुछ खींचती हुई चली जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगुलैरिटी में, इनफाइनाइट डेंसिटी, बहुत सारी चीजें होंगी एक साथ, सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, एक छोटा सा डॉट, और जो इसके एटम्स हैं, ठीक है ना, वो एक तरीके से यहां आप देखेंगे कि एक ब्लैक होल में कंसेप्ट आता है इवेंट होराइजन। जैसे ये एक ब्लैक होल है, ये होता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन मतलब बाउंड्री, जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आपका घर के अंदर ये पूरा ब्लैक एरिया ब्लैक होल है, तो आपके घर की बाउंड्री हो गई इवेंट होराइजन। मतलब अगर एक इंसान आपके घर के अंदर आ गया, इस ब्लैक होल के अंदर आ गया, इस इवेंट होराइजन के अंदर आ गया, तो वो दोबारा वापस नहीं जा पाएगा, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस खींच लेंगी। वैसे ब्लैक होल की डेफिनेशन दोस्तों, जिसमें लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि वो लाइट को भी खींच लेता है, ठीक है ना। तो अब ये हो गई ब्लैक होल की बात। तो यहां पे दोस्तों ब्लैक होल बनेगा कब, ये चंद्रशेखर ने बताया था। ब्लैक होल देखिए दोस्तों, कोई भी स्टार होता है वो या तो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, या फिर एक, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये या तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या फिर वो एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा है, जब भी सोलर मास मतलब सन का मास, जब भी सोलर मास 1.44 होगा, मतलब सूरज से थोड़ा बड़ा अगर किसी तारे का मास होगा, तो भैया वो कन्वर्ट होगा किसमें, व्हाइट ड्वार्फ में। व्हाइट ड्वार्फ वो बना रहेगा, ये कोई खतरा, ये तो छोटे छोटे तारे होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर 1.44 ये लिमिट क्रॉस हो गई, इसी को चंद्रशेखर लिमिट बोला था और यही चंद्रशेखर ने बताया था, अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई तो भैया वो क्या बन जाएगा, एक ब्लैक होल बन जाएगा जिससे कुछ भी नहीं बच सकता। तो ये बताया था चंद्रशेखर ने, इसी को बोला गया चंद्रशेखर लिमिट। ये लिमिट क्रॉस होने के बाद न्यूट्रॉन स्टार यानी कि वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ब्लैक होल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, ब्लैक होल में वक्त धीमे चलता है। जी हाँ, वक्त वहां पे धीमे चलता है। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर, एक ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहां पे खड़े हैं, 10 किलोमीटर पे एक ब्लैक होल है, ये एक इंसान है, ये यहां पे खिंचता हुआ चला जा रहा है, इसने घड़ी पहनी हुई है, इसकी घड़ी के हिसाब से ठीक है वक्त सही चलेगा, लेकिन आप यहां से जब इसको देखेंगे ना, ये कभी जाएगा ही नहीं। मतलब आप अगर 12 साल के हैं और 12 साल की उम्र में आप इस इंसान को इस ब्लैक होल में जाते हुए देख रहे हैं, आप 90 साल के हो जाएंगे तब भी ये इंसान ब्लैक होल में जा ही नहीं पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वक्त ब्लैक होल में बहुत धीमे चलता है, क्योंकि टाइम डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट।
छोड़िए, अच्छा रहने दीजिए। अच्छा अगर आपको ये चीज समझनी है तो मेरा एल्बर्ट आइंस्टीन का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। मैंने ये सारी चीजें एल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी जो पार्ट वन पार्ट टू और स्टीफन हॉकिंग की भी बायोग्राफी में मैंने पूरी कवर की है कि किस तरीके से वक्त जो है वो चेंज होता है। तो ये चीज थी, इसलिए चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। आसानी से समझा दिया, समझ में आ गया, कोई भी और प्रॉब्लम हो तो मेरे फेसबुक पेज पे पूछ लीजिएगा। 1995 में दोस्तों चंद्रशेखर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, शिकागो हॉस्पिटल में ही इनका देहांत हुआ। इन्होंने जो इनकी जो पत्नी थी ललिता दोराय स्वामी, वो भी प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही पढ़ती थी, वहीं पे इनकी मुलाकात हुई थी, इन्होंने शादी की, बहुत प्यार करती थी। चंद्रशेखर अपने पूरे सक्सेस का जो क्रेडिट है वो अपनी पत्नी को ही देते थे और अपने माँ बाप को देते थे। तो यहाँ पे इनकी पत्नी ने जो नोबेल प्राइज से जो पूरा अमाउंट मिला वो काफी कुछ डोनेट भी किया। आपको बता दूं इनकी पत्नी का देहांत 102 साल में हुआ था, काफी ज्यादा उम्र तक वो जीती है, हाल ही में 2013 में ठीक है उनका देहांत हुआ था। ठीक है, तो अब अमेरिका ने काफी कुछ इनके लिए किया है। आपको बता दूं कि एक ऑब्जर्वेटरी जो नासा की है वो चंद्रशेखर के नाम पे है, उसके बाद एक स्पेस शटल भी चंद्रशेखर नाम के है। आपको बता दूं जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे चंद्रशेखर के नाम पे है, एस्टीरॉयड चंद्रशेखर के नाम पे है, भारत में हिमालयन टेलीस्कोप चंद्रशेखर के नाम पे है, 45 स्टूडेंट्स ने पीएचडी की थी इनके अंदर, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि जो इनकी पत्नी थी ललिता चंद्रशेखर, उन्होंने जो नोबेल प्राइज की मनी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डोनेट कर दी थी, और एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फेलोशिप स्टार्ट की थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिलती रहती है, ठीक है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनकी बहुत तारीफ की है दोस्तों, जिसमें कार्ल सेगन है, स्टीफन हॉकिंग है। कार्ल सेगन की भी मैं बायोग्राफी लेके आऊंगा, बड़े ही जबरदस्त इंसान थे, ठीक है ना। तो ये चीज है, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आखिरी वेंकट रमन सर बचे हुए हैं, उनकी बायोग्राफी को करके हम इस सीरीज को वाइंड अप करेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।